वुमेन्स आईपीएल का दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था। इस मैच को दिल्ली की टीम ने 60 रन से अपने नाम कर लिया है। इस मैच में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका ये फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली के सलामी बल्लेबाज मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने टीम को बहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 15 ओवर में 162 रन की बेहतरीन साझेदारी की। लैनिंग ने 43 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 72 रन बनाए। वहीं शेफाली ने 45 गेंदों में 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 84 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स ने 15 गेंद में 22 रन का योगदान दिया। इस वजह से दिल्ली की टीम 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 223 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई। बेंगलोर की तरफ से 2 विकेट टीदर नाइट ने अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान मंधाना और सोफी डिवाइन आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 5 ओवर में 41 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दी। इसके बाद डिवाइन को एलिस कैप्सी ने 14 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इसके कुछ देर के बाद कप्तान स्मृति मंधाना भी 35 रन बनाकर आउट हो गई। इसके अलावा एरिस पेरी ने 19 गेंद में 31 रन और अंत में हीदर नाइट ने 21 गेंद में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रन की पारी खेली। हालांकि टीम को हार का सामना करना पड़ा। अंत में आरसीबी 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 163 रन ही बना पाई। तेज गेंदबाज तारा नॉरिस के आगे दिल्ली के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट तेज गेंदबाज तारा नॉरिस ने लिए। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा कैप्सी ने 2 विकेट और शिखा पाड़े ने 1 विकेट लिया।